बंटवारे का घाव अभी पूरा नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने सेना के भेष में कबायली हमला कर दिया। और मेरे भाइयों, 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, कितना? 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है। यह काम किसके समय में हुआ? मित्रों, यह काम भी कांग्रेस के ही समय में हुआ, और उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला काम। उसके बाद सन 1962 चीन हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है, और चीन के कब्जे में आज भी 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है। यह काम किसके समय में हुआ? कांग्रेस के। सन 1971 में हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी कि पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को हमारी देश की सेना ने बंदी बनाया था। कितना? 92,000। लेकिन मेरे मित्रों, उस समय एक अवसर था हमारे पास। अगर सशक्त भारत होता, मजबूत भारत होता, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भारत होता, मोदी वाला भारत होता, तो 92,000 सैनिक जाने के पहले पाकिस्तान के द्वारा जो हमारी जमीन कब्जा करके रख ली गई है, उन सारी समस्याओं का निदान हो सकता था यदि कांग्रेस के प्रधानमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होता, तो 92,000 सैनिक यूं ही ना चले जाते। जब लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या की गई, देश में इमरजेंसी लगाई गई, उस समय भी कांग्रेस के ही सरकार थी। और सन 1984 में जब सिखों का कत्लेआम किया गया, उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी।